नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। मैं हूं निशा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के जिलेविया मोड़ में सुल्तानगंज से देवघर मुंडन कराने जा रहे पूर्णिया के एक यात्री पिकअप वाहन के पलट जाने से उस पर सवार लगभग 1.5 दर्जन यात्री जख्मी हो गए। सुइया एवं बेलहर पुलिस थाना स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी जख्मी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलहर में कराया गया। जानकारी के अनुसार पूर्णिया जिला अंतर्गत धमदाहा गांव के शंभु पंडित के पुत्र एवं पुत्री आरती कुमारी, अमन कुमार एवं अंकित कुमार तथा मिथिलेश पंडित के पुत्र अंशु कुमार का मुंडन कराने के लिए सुल्तानगंज से देवघर अपने सगे संबंधियों के साथ लगभग 30 लोगों के साथ जा रहे थे। इसी क्रम में पिकअप वाहन जिलेबियों मोड़ में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें बैठे 18 लोग जख्मी हो गए। जख्मी में 6 लोगों को गंभीर स्थिति देखते हुए डॉक्टर ने रेफर कर दिया, जिसमें तेतरी गांव के कोमल कुमारी, धमदाहा गांव के शंकर सहानी, आरती कुमारी, निशा कुमारी, क्रांति देवी, दुलारी देवी को भागलपुर मायगंज रेफर कर दिया गया। थाना क्षेत्र के बिजली उपकेंद्र के पास बालू लदा एक आयशर मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चालक फरार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दिन के 12:30 बजे बालू लेकर बेलहर साहेबगंज से अमरपुर की ओर जा रही एक मिनी ट्रक फ्री डूमर बिजली उपकेंद्र के पास गड्ढे में पलट गई। दुर्घटना का कारण ट्रक के बाएं टायर का फटना बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो टायर के फटने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई। चालक के काफी प्रयास के बावजूद गाड़ी पलट गई। चालक किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। चांदन देवघर पक्की सड़क के किनारे पहाड़ी के पास भोजपुरा में एक घर में रात को अचानक आग लग जाने से करीब 20,000 की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि भोजपुरा निवासी मनु प्रसाद वर्मा के घर के पास एक दुकान था। उसी दुकान में शनिवार रात 12 बजे अचानक किसी ने आग लगा दिया। परिवार वाले को जानकारी होती, इससे पहले पूरी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। सुबह घर वालों को आग लगने की जानकारी हुई। आग लगने से दुकान में रखा 50 मुर्गा, 20 कैरेट अंडा और 20 पेटी पानी का बोतल जलकर बर्बाद हो गया। पीड़ित परिवार द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। लगभग हम 9 बजे दुकान बढ़ाए हैं। 9 बजे दुकान बढ़ा के खा पी के हम लोग 10 बजे तक सो गए। उसके बाद 12:05 या 10 मिनट के अंदर एक कौन लगाया गया ना, लगा दिया गया कोई लगा दिया क्या अब पता नहीं हम लोग को चला। डायरेक्ट लग गया आग। उसके बाद हम लोग देखे पूरा लग चुका था आग। क्या क्या जला इसमें? इसमें दुकान के अंदर जितना सामान था सब जल गया। फास्ट फूड था, मुर्गा था इसमें। कितना पीस मुर्गा? लगभग 50 पीस था। 50 पीस अंडा? कितना अंडा? दो पेटी लगभग। दो पेटी। चांदन थाना अध्यक्ष रवि शंकर कुमार द्वारा देवघर कटोरिया पक्की सड़क पर काफी तेज धुन से बचाने के कारण एक डीजे को वाहन सहित जब्त कर लिया गया। बताया जाता है कि शनिवार देर रात जब पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आने के इंतजार में पुलिस गश्त कर रही थी, उसी वक्त देवघर की ओर से डीजे की गाड़ी कटोरिया की ओर जा रही थी, जिसे दर्दमारा चेक पोस्ट पर रोककर उससे परमिशन की मांग की गई। कोई समुचित कागजात नहीं दिखाए जाने पर वाहन सहित डीजे को जब्त कर दिया गया। चालक संतोष कुमार ने बताया वह डीजे लेकर एक शादी समारोह में कटोरिया जा रहा था। बांका जिले के चांदन मुख्यालय के बगल में स्थित रमेश कुमार यादव की पुत्री काजल कुमारी ने कराटे प्रदर्शन में गोल्ड मेडल जीतकर अपने प्रखंड व बांका जिले का नाम रोशन किया है। भागलपुर में आयोजित छटांगिका स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2021 में बेहतर प्रदर्शन करने पर गोल्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। काजल की इस सफलता पर उसकी माता रूपा देवी, पिता रमेश कुमार यादव, इसके अलावा पूरे परिवार व समाज में खुशी का माहौल है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व बुद्धिजीवियों ने भी काजल को शुभकामनाएं दी हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सबसे आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।